हाय बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्यास काटते समय हम क्यों रोते हैं? उसके पीछे एक छोटी सी मजेदार कहानी है। एक बार एक खूबसूरत शहर में तीन दोस्त रहते थे। क्या आपको पता है कि वो कौन है? पहला टमाटर, दूसरा आइसक्रीम और तीसरा प्याज। उनके शहर में सर्दी के मौसम की आहट हुई। तीनों एक साथ खेल रहे थे और बहुत खुश थे। वो जहाँ भी गए खुशी खुशी साथ थे। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। आखिरकार गर्मियों का मौसम आ गया। एक दिन वो सभी पार्क में एक साथ खेलने के बारे में सोच रहे थे। आप सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में मौसम कैसा रहता है ना? हाँ, गर्मियों के दौरान मौसम गर्म होता है। आइसक्रीम को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए आइसक्रीम अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से निकल गया। थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम को अपने शरीर के पिघलने का एहसास होने लगा। टमाटर और प्याज अपने दोस्त की स्थिति को देखकर असहाय खड़े थे। आइसक्रीम बहुत जल्द पूरी तरह से पिघल गया था। बाकी दोनों दोस्त रोते हुए घर जाने लगे। उनके घर जाते समय एक छोटा लड़का अपनी गेंद के साथ खेल रहा था। उस लड़के को ये एहसास नहीं हुआ कि टमाटर और प्याज उसके रास्ते में हैं। उसने अनजाने में पूरी तरह से गेंद फेंका। प्याज ने गेंद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। गेंद टमाटर के सिर पर जोर से लगी और वो नीचे गिर गया। उस रात प्याज अपने दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत दुखी था। प्याज ने कुछ भी नहीं खाया। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मेरे सबसे अच्छे दोस्त अब मेरे साथ नहीं है। अब यहाँ मैं अकेले उनके लिए रो रहा हूँ। अगर कल मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं है। फिर उसने आकाश से एक रोशनी को आते हुए देखा। रोशनी में से एक आवाज आई और प्याज से कहा, प्याज चिंता मत करो, अगर कल तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम्हारे आसपास मौजूद हर व्यक्ति रोएगा। उस आवाज ने प्याज को ये वरदान दिया और चली गई। अधिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।